मैं भी सोच रहा हूँ कल से डेली रनिंग करने के लिए आऊँ सुबह और शाम को, आलसी हो गया बहुत, तो इन लोग के साथ अगर रनिंग करता हूँ तो मेरा रनिंग भी अच्छा हो जाएगा और बॉडी भी फिट रहेगी। सो है गाइज, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के 10:30 बज चुके। तो आज मम्मी ने खाना जल्दी बना लिया क्योंकि मैं दोपहर में खाना बहुत लेट खाता हूँ इसकी वजह से। तो अभी खाना खा के निकलते हैं कंप्यूटर क्लास के लिए। तो मम्मी नीचे खाना डाल रही है मेरे लिए। तो आज मिक्स सब्जी बनी है, चने और आलू की और चावल है। तो मैं खाना खा के मिलता हूँ आपसे, और मम्मी भी खाना खा रही है मेरे साथ में। खाना तो हो चुका है, तो अब टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। अब मैं इधर से निकलता हूँ डायरेक्ट रेडी होके। A few moments later. La mummy moga hai. La. Guys, aaj to aur zyada late ho chuka hai. Idhar jab jitna class ka time hai aaj idhar hi baj chuka hai. To pata nahi kya hoga. La Prakash bhai. Computer class to khatam ho gaya. To ab hum log ja rahe hain niche side. और हाँ, बता दूँ आज मेरे भाई का बर्थडे है, तो इसको मैंने विश तो कर दिया है। तो आप लोग भी विश कर देना मेरे भाई को, दुआ देना थोड़ा बहुत। मेरा भाई बहुत प्रगति करे, तरक्की करे। चल नीचे सर। भाई चाय पीते थे। भाई का वीडियो शूट चल रहा है, चाय पीते पीते। इधर इधर फोकस कर, इधर वीडियो शूट कर। चाय अच्छा है ना? चलो चाय भाई तो पी लिया, तो अब हम लोग को भी ले जाना है। आज इसका बर्थडे है, तो पता नहीं कहीं पे घूमने जा सकते हैं ना। भाई रुक रुक रुक, हम लोग का इधर का रोड का काम भी पूरा हो चुका है। क्या बोलता भाई, सही ना? एक नंबर। मेरा भाई आज हैंडसम लग रहा है, पता नहीं कोई लड़की फिदा हो गई तो बर्बाद, मुझे अकेला ही जाना पड़ेगा। सही बोला ना? तो गौर से देखो इस लड़के को, तो इस लड़के के पीछे पूरी दुनिया की लड़की फिदा है। दुनिया की तो नहीं बोल सकता, इधर हमारे गांव की सब लड़कियां फिदा है, सब इसको जानती है। ये कॉलेज में अभी पढ़ाई चल रही है और हम लोग इधर घूम रहे हैं। क्योंकि हम लोग तो पढ़ते नहीं है ना कॉलेज। मेरे कॉलेज में कितनी गर्लफ्रेंड है? इससे पूछो कितनी गर्लफ्रेंड है, कितनी है? कम से कम 10-12 तो होंगे बस। इतनी? हम लोग कब से इधर उधर ही कर रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा है किधर जाना है किधर नहीं जाना है। तो अभी ये डिसाइड किया कि थोड़ा हम लोग नदी के उस पार जाते हैं, थोड़ा फ़ोटो शूट कर लेते हैं, मतलब थोड़ा लोकेशन अच्छा है तो उधर मोबाइल से फ़ोटो खींच लेंगे। क्या बोलता है यार? एक नंबर। हम लोग रामघाट बाजार के नीचे वाले साइड में आ चुके हैं, तो ये पुल नीचे ही है, तो देख सकते हो पुल का व्यू। मेरा भाई आगे, तो इधर से व्यू देखो पीछे का और इस साइड का भी। गर्मी के सीज़न में इधर सब रहते हैं नहाने के लिए, पर अभी ठंडी का सीज़न है तो इसलिए अभी कोई नहीं दिखेगा नीचे नदी साइड। और ये नदी में मछली भी पकड़ते लोग। क्या इधर फ़ोटो लेंगे? तो हम लोग इधर थोड़ा एक दो फ़ोटो खींच लेते हैं मोबाइल से। A few moments later. हम लोग इधर मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, पर भाई लोग मिले तो हम लोग ने अभी फ़ोटो शूट किया कैमरे से। तो आप लोग को मैं थोड़ा एक दो फ़ोटो भी डाल दूंगा यूट्यूब में, तो देख लेना आप लोग। तो अभी सब लोग आगे जा रहे, तो अभी हम लोग उन लोग के साथ में जाते ऊपर तक, उसके बाद फिर हम लोग दूसरी जगह जाएंगे। 2000 years later. गाइज, मेरे मोबाइल में चार्ज नहीं था, तो उसकी वजह से फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। तो मैं अभी जस्ट आधे घंटे पहले मैं घर पे आया, उसके बाद मैंने फ़ोन चार्ज में रख दिया, तो अभी चार्ज हो गया है मोबाइल। तो अब हम लोग जा रहे हैं नदी साइड। तो नदी में एक भैया ने मुझे बुलाया था, बोला था थोड़ा कुछ काम है आना नदी साइड, तो उसकी वजह से जा रहा हूँ, शायद वो लोग आए होंगे।
इधर तो रास्ता ही नहीं है, हम लोग को उधर से घूम के जाना पड़ेगा फिर से। इधर का रास्ता बहुत खतरनाक है, अगर थोड़ा सा भी पाँव फिसल गया तो डायरेक्ट नीचे गिरेंगे, क्योंकि इतना ऊपर है ना, तो अगर पाँव फिसल गया तो चोट भी लग सकती है। आप लोग में से किसी ने मुझे कमेंट किया था कि नदी में स्विमिंग वाला वीडियो बनाओ, तो मैं जैसे बता दूँ अभी विंटर सीजन चल रहा है, उसके वजह से पानी बहुत ठंडा रहेगा। अगर मैं वीडियो बनाता हूँ अगर पानी के अंदर स्विमिंग करता हूँ तो मैं बीमार पड़ जाऊँगा, और मैं ये नहीं चाहता। तो 10-15 दिन के बाद गर्मी का सीज़न चालू हो जाएगा, तो हम लोग सब आएंगे नहाने, तब मैं पूरा स्विमिंग का वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे स्विमिंग करने का बहुत शौक है। तो हम लोग आते भी है स्विमिंग करने, गर्मी के सीज़न में हम लोग डेली स्विमिंग करने आएंगे, तो हम लोग दिखाएंगे पानी में, हम लोग स्टंट मारते हुए भी दिखाएंगे, मज़े करते हुए दिखाएंगे आपको, मैं बहुत सारे वीडियोस दिखाऊंगा पानी वाले। इस जगह को तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे, तो इधर मैं अपना स्टंट प्रैक्टिस करता हूँ। 3-4 दिन हो गए मैं स्टंट प्रैक्टिस करने नहीं आ पाया, क्योंकि मैं अपने मामा के घर पर गया था, तो उधर 2-3 दिन लग गए थे। तो कल या परसों ही आया मैं, तो उसके वजह से, और थोड़ा घर पे काम भी था शाम को, उसके वजह से नहीं आ पाया इधर में। इधर के क्लाउड के सीन बहुत अच्छे लग रहे हैं अभी। मैं इधर डेली प्रैक्टिस करने का आने का सोचता हूँ, पर मेरे से हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि घर पे कभी काम आ जाता है, कहीं पे जाना पड़ जाता है उसके वजह से। पर मैं अपना एक शेड्यूल बना लूँगा, तो तब से मैं रेगुलर आऊँगा प्रैक्टिस करने इधर, क्योंकि प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा अगर स्टंट अच्छे से करना है तो। तो अभी इधर रनिंग करने के लिए बॉयज़ लोग दौड़ रहे हैं, तो देख सकते हो उधर पीछे, तो इन लोग का तो डेली रूटीन हो गया है, रोज़ शाम को और सुबह आते हैं ये लोग रनिंग करने। अभी तक वो भैया आए नहीं है, तो मैं इधर बैठ गया था वेट करते करते, तो नहीं लगता वो आ जाएंगे, तो मैं उनसे कल ही बात कर लूँगा, तो कल ही मिल के बात कर लेते क्या है। तो अभी थोड़ी देर में मैं इधर से निकल जाऊँगा, इधर अभी बॉयज़ लोग हैं इधर रनिंग कर रहे, तो उन लोग के साथ में निकल जाऊँगा घर साइड। तो उन लोग का रनिंग हो चुका है, तो वो लोग गए नदी साइड, नदी साइड जाके वो लोग हाथ मुँह धो के आने वाले, तो उसके बाद हम लोग साथ में निकलेंगे। तो इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मैं मिलता हूँ न्यू ब्लॉग पे, बाय।